अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग? गाइज़ काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ मुझे फीवर था, तो अब कंडीशन काफ़ी बेटर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिंध रेंजर्स की वैकेंसीज के रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और सेकेंडली कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी तलीम रिक्वायर्ड है इसमें और कौन से टेस्ट हैं, कब होंगे टेस्ट, फीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं और मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इनका क्या क्राइटेरिया, कम्प्लीट डिटेल्स इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कम्प्लीट वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे, और अगर आपने बाद में वीडियो के रिलेटेड ही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस किए तो मैं उन क्वेश्चंस के जवाब देने का हकदार नहीं हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सब इंस्पेक्टर की, तो इसके लिए FA FSC रिक्वायर्ड है। इसमें किसी भी किस्म के कोई आपके मार्क्स या फिर परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोग के खतीब की, खतीब के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। इसके लिए भी किसी भी किस्म के कोई परसेंटेज या फिर मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए एक आपके पास दरसे निज़ामी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि किसी भी मंजूर शुदा अदारे का हो। हवलदार नायक जनरल ड्यूटी की बात की जाए मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए, इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। अगर आप लोगों की ज़्यादा तलीम होगी तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। हवलदार ये मैंने आप लोगों को बता दिया। स्पाही कलर की बात की जाए तो इसके लिए आपका FA FSC होनी चाहिए और इसमें भी आपकी किसी भी किस्म की परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास एक साल कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको MS Word, Excel और पावर पॉइंट चलाना आता हो। उसके बाद स्पाही जनरल ड्यूटी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों, स्पाई कोक, स्पाई मैस, वेटर की बात की जाए तो इसके लिए आपका मिडल रिक्वायर्ड है। NCSC की बात की जाए तो इसके लिए आपका मिडल और प्राइमरी रिक्वायर्ड है। तो सिंपली आप लोग कंप्लीट डिटेल्स खुद भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। नंबर दो पे भर्ती के लिए जगह और तरीके मुकर्रर आप लोगों को कर दी गई हैं। अब इसमें भर्ती ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची में, बराए पंजाब ICT इस्लामाबाद सिंध अर्बन कराची हैदराबाद और सक्कर और बाकी जितने भी इलाकों के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं इन्हें आप लोग रीड कर सकते हैं। और सिंपल यही इलाकों के लोग जिनके पास इन इलाकों के डोमिसाइल हैं वही इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज आप लोग ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते इन वैकेंसीज में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जो पंजाब ICT इस्लामाबाद वाले हैं ग्रुप 1 की कैटेगरी में जो आ रहे हैं, उन्हें जो है 23 अगस्त को जाना है इस सेंटर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने। सिंध अर्बन वालों की बात की जाए तो उन्हें 24 अगस्त को जाना है और सिंध अर्बन डोमिसाइल वालों को एक दिन इजाफी दिया गया है। अगर आप लोग 24 अगस्त को नहीं जा पाते तो सिंपल आप लोग 25 अगस्त को जा सकते हैं। जिस्मानी टेस्ट मींस फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो इनका 26 अगस्त को फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तहरीरी इम्तिहान इनका जो है 27 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ये हो गया जी अर्बन वालों का, सिंध अर्बन वालों का और ICT इस्लामाबाद वालों का ग्रुप 1 का क्राइटेरिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी सिंध दही वालों का, उनका जो है 28 अगस्त को जाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा वालों को 30 अगस्त को, बलोचिस्तान गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों को 31 अगस्त को। इजाफी दिन बराए सिंध दही, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा बल्चिस्तान और गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को 1 सितंबर और प्रोवाइड किया गया है। यानी कि अगर आप लोग 28, 30, 31 को नहीं जा पाते तो सिंपल आप लोग 1 सितंबर को भी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनका जो जिस्मानी टेस्ट होगा वो 2 सितंबर से होगा। तहरीरी इम्तिहान इनका जो है वो होगा जी आप लोगों का 3 सितंबर और ख़वातीन के लिए आप लोगों के जो टेस्ट होंगे वो 4 सितंबर से होंगे। जिस्मानी टेस्ट तहरीरी इम्तिहान बराए ख़वातीन इनका जो है 6 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद पेपर की चेकिंग की डेट, मुंतखिब उम्मीदवारों का तफसीली तिबी मुआयनी की डेट मेंशन है यहाँ पे, उम्मीदवारों की ट्रेनिंग के लिए पहुँचना और ट्रेनिंग का आगाज़, ये सब डेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तमाम असर इसनाद, सर्टिफिकेट, डिग्री, अगर तलीम 8वीं जमात है तो सिंपल आपको एक स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तस्दीक शुदा हो। उसके बाद आपको असल कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है, असल डोमिसाइल लेकर जाना है और 4 अदर पासपोर्ट साइज तस्वीरें साथ लेकर जानी है। और जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं उन्हें NOC यानी कि NOC का सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद तलीम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। जो मेल्स के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है इसमें कद कम अज़ कम 5 फीट 6 इंच होना चाहिए और छाती से आपकी 33 साढ़े 34 होनी चाहिए। वजन जो मेल्स के लिए रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 55 kg होना चाहिए या कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम आपका वजन जो है वो 55 kg होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका BMI टेबल के अकॉर्डिंग मेयर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, इसमें जो फीमेल्स के लिए फिजिकल की रिक्वायरमेंट है इसमें कद आपका जो है कम अज़ कम 5 फीट 3 इंच होना चाहिए और बकाया जिस्मानी मेयार आपका मेडिकल कवर
कवानीन के मुताबिक किया जाएगा और फीमेल्स गैर शादीशुदा होनी चाहिए और फीमेल्स ट्रेनिंग के दौरान अपनी शादी भी नहीं करवा सकती। एज लिमिट गाइस इसमें मेल्स के लिए 18 से लेकर 30 साल तक है और फीमेल्स के लिए 18 से लेकर 25 साल तक है। तो सिंपली आप लोग चेक कर सकते हैं और अगर आप लोग खुद भी रीड करना चाहें इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप सो गाइस वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। आई मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।